उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए जौनपुर की जनता ने जो समर्थन और आशीर्वाद दिया है उसके प्रति आभार व्यक्त करने और विकास के प्रति आप सबको आश्वस्त करने के लिए ही मैं आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आज प्रातः काल ही मैंने जौनपुर में आकर के यहां पर स्वर्गीय उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है। जौनपुर में नवनिर्मित एसटीपी के भी कार्यप्रणाली को नजदीक से देखा है और विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे जुड़ने और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास को इस मंच के पीछे लगी हुई प्रदर्शनी के माध्यम से मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जौनपुर अब नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से आगे बढ़ता वाला एक जनपद है और बहुत शीघ्र जौनपुर में वे सभी प्रकार की सुविधाएं जौनपुर वासियों को प्राप्त होंगी जिसको लेकर के दशकों से यहां के लोगों को इंतजार था। भाइयों बहनों, विकास आज की आवश्यकता है, लेकिन हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि विकास की योजनाओं के लिए ईमानदारी के साथ वे योजनाएं जिस उद्देश्य से शासन ने दी हैं उसकी धनराशि का उपयोग उस संबंधित कार्य पर हो, इस पर भी उतना ही ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अन्यथा जिस प्रकार के रैकेट 2017 के पहले प्रदेश के अंदर विकास के कार्यों में घुन की तरह लग करके पूरी व्यवस्था को खोखला बनाने का कार्य कर रहे थे, उसका परिणाम जग जाहिर है और उसकी कीमत पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को भुगतना पड़ा था। आज तो उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं जाता है सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। 5 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। 5 साल पहले जब आप एक यहां के नौजवानों को, यहां के नागरिकों को उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं जाने के लिए किसी कार्यवश जाना पड़ता था, उनके सामने पहचान का संकट था, विश्वास का संकट था और उस समय उन लोगों को अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विगत 5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में की सरकार ने आप सबके सहयोग से अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की जिस नीति के तहत कार्य किया, आज देश के अंदर एक नया विश्वास पैदा हुआ है और उत्तर प्रदेश के मॉडल को लोगों ने हाथों हाथ लेकर के इस बात को स्वीकारा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं होगी। उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त प्रदेश है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के जब आंकड़े सामने आते हैं तो आंकड़े इस बात को चौंकाने वाले होते हैं कि इन आंकड़ों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बन रही है। बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश के अंदर रोजगार और निवेश की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ा रही है और अगर नौजवान को घर में ही रोजगार मिल जाएगा तो वह फिर दूसरी जगह क्यों जाएगा? उसकी प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश को मिल ही जाएगा और उत्तर प्रदेश के अंदर
आज वे सभी संभावनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं। हम लोग अभी कोरोना से उभरे हैं। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी, 2.5 वर्ष पहले जब कोरोना महामारी आई थी, पूरी दुनिया को पस्त की थी, पूरी दुनिया को पस्त की थी। और उस समय आप सबने इस बात को अनुभव किया होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन और जीविका को बचाने के लिए जो कार्यक्रम चले, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में हर जरूरतमंद को राशन की सुविधा और फ्री में वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन, 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज भी लग गई। लगातार ये पहली बार हो रहा है जब संवेदनशील सरकारें पूरी संवेदना के साथ बिना भेदभाव के अपने शासन की योजनाओं को समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जब कोरोना कालखंड के दौरान लॉकडाउन लगा और भारी संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने अपने गांव की तरफ प्लान किए थे, तो भाइयों बहनों, अकेले जौनपुर जनपद में भी 1.5 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस आए थे। और जनप्रतिनिधियों ने और प्रशासन ने मिलकर के जिस जिम्मेदारी के साथ उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने और उनके भरण पोषण की व्यवस्था की, और केवल जौनपुर के ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर 40 लाख ऐसे कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे जिन्हें सम्मान देने का कार्य और उनको आजीविका के साथ जोड़ने का कार्य उत्तर प्रदेश ने सफलतापूर्वक किया था। हम केवल कहते नहीं हैं, परिणाम में बदल करके उसे सामने लेकर के आते हैं। और आज इसीलिए मैं आज कह रहा हूं आप सबसे, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये भ्रष्टाचार पिछली सरकारों की जीन्स का हिस्सा था। इन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल कर दिया था, अपने लिए, अपने खानदान के लिए ये लोग भ्रष्टाचार पैदा करते थे। विकास की योजना लोक कल्याण के लिए नहीं, ठेकेदारों को लाभान्वित करने के लिए बनाते थे, अपने स्वयं के पाले हुए बुर्गों को लाभान्वित करने के लिए बनाते थे। और इसीलिए उन लोगों पर प्रहार करने के लिए इस सरकार ने पूरी मजबूती के साथ लड़ना प्रारंभ किया है। हमने तय किया है भ्रष्टाचारी कोई भी होगा उसकी संपत्ति को हम कुड़क करके फिर से उसे सार्वजनिक उपयोग में गरीबों के पास, गरीबों के उपयोग के लिए उस संपत्ति को अधिग्रहण करने में भी कोई संकोच नहीं करेंगे। और ठीक उसी तर्ज पर, जैसे आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए एकाध, उत्तर प्रदेश में अगर दंगा करोगे तो खानदान ने, 7 पीढ़ियों ने जो संपत्ति बनाई होगी उस संपत्ति से भी वंचित हो जाओगे। और आपने देखा होगा कि हमने उसका कानून भी बनाया, प्रभावी ढंग से उसको लागू भी किया। और आज यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं, अब यही लड़ाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी करने जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों ने जितनी भी संपत्ति बनाई होगी, उन भ्रष्टाचारियों की इन संपत्तियों को सार्वजनिक उपयोग के लिए हम आज लेकर के आना चाहते हैं। और उसी दृष्टि से एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज प्रदेश तेजी के साथ एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रही है। भाइयों बहनों, आज जो 258 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां पर लोकार्पण शिलान्यास हो रहा है, ये विकास की तो परियोजनाएं हैं, ये शिक्षा की परियोजनाएं हैं, स्वास्थ्य की है, स्पोर्ट्स की है, कृषि से संबंधित भी है, ग्रामीण विकास की भी है, पशुधन से भी जुड़ी हुई है, बेसिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, अलग अलग प्रकार की जो विकास की परियोजनाएं हैं, पेयजल की भी है,
इन सभी परियोजनाओं का विकास के साथ तो संबंध है ही, ये एक शासकीय निवेश भी है, रॉक नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाता है। और मैं यही आह्वान आप सबसे कहने के लिए आया हूं, प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को पूरे देशवासियों को जो अपना संबोधन दिया था उसमें पंच प्रण की बात कही थी। ये पंच प्रण एक विकसित भारत बनाएंगे, गुलामी के अंश को सर्वथा समाप्त करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और विरासत को हर हाल में संरक्षित करेंगे। भाइयों बहनों, ये जो अभियान है आज आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक नए अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को तब प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो पाएगी जब आत्मनिर्भर गांव बनेंगे, आत्मनिर्भर नगर बनेंगे। आत्मनिर्भर गांव के लिए हमारी ग्राम पंचायतों को भी आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। और मैं आह्वान करूंगा, जो भी ग्राम पंचायत अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएंगी, उस ग्राम पंचायत को स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए राज्य सरकार भी अलग से उन्हें धनराशि उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी और गांव को एक अच्छे मॉडल के सामने हम प्रदेश और देश के सामने भी रखने का कार्य करेंगे। ऐसे ही नगर निकायों के साथ भी होगा। जो नगर निकाय अपने को आत्मनिर्भर बनाएगा, उस नगर निकाय को स्मार्ट नगर निकाय बनाने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर भी उनको सहयोग करेगा। इस दिशा में एक नए अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उस अभियान के साथ जुड़ करके ही हम नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बना पाएंगे। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आज आप देख रहे होंगे भारत ने कितनी लंबी छलांग लगाई थी 75 वर्ष पहले। लगभग 200-250 वर्षों तक ब्रिटेन की प्राधीनता में रहने के कारण लोग ये मानते थे भारत कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उनकी इस मंशा को दरकिनार करते हुए भारत के यशस्वी नेतृत्व ने आज भारत को दुनिया की पांचवीं अर्थव्यवस्था बना दिया है। ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत पांचवीं अर्थव्यवस्था बना है और ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत पांचवीं अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का उभार इस बात को प्रमाणित करता है कि आने वाली जो सदी, वर्तमान की जो सदी है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। मेरा देश विकसित हो, ये कौन ऐसा भारतीय होगा जिसके मन में तमन्ना न हो। हमारा देश विकास करेगा तो हर व्यक्ति विकास करेगा, विकास की योजना का लाभ समाज के हरेक तबके को प्राप्त होगा और अपने देश के बारे में सोच एक सकारात्मक सोच है। उस सकारात्मक सोच के साथ हम सबको जुड़ना पड़ेगा और भाइयों बहनों, वह तब होगा जब हम अपने गांव के लिए करेंगे, अपने नगर के लिए करेंगे। जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वहां पर वह ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर ले, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर ले। मैं भी देख रहा था एग्जीबिशन में, बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चे थे और कितना धारा प्रवाह बोल रहे थे, कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। अगर बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चों के मन में विज्ञान के प्रति, तकनीक के प्रति, भाषा के प्रति आज आधुनिक बोध उनके मन में है और वैज्ञानिक भाव उनके मन में है, क्योंकि उनको उस प्रकार का मंच मिल रहा है, कुछ कर गुजरने की एक चाहत उनके मन में है और प्रशासन ने और शासन ने मिलकर के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उस प्रकार के भाव पैदा किए हैं, उसके परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। और आज यही मैं यहां पर देख रहा था,
वे बच्चे इससे पहले इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि पिछली सरकारों के पास फुर्सत ही नहीं थी। पिछली सरकारों ने शिक्षा को नकल का जरिया बना दिया था, शिक्षा को इतना उन्होंने भ्रष्ट करने का प्रयास किया था। शिक्षक नहीं थे, विद्यालय भवन जर्जर थे, परीक्षा की पारदर्शिता नहीं थी, नियुक्ति में पारदर्शिता का अभाव था, हर एक चीज के दाम तय होते थे, किसी व्यक्ति को न्याय पाने का विश्वास नहीं था। आज तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार हर व्यक्ति के साथ खड़ी है, हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है, हर व्यक्ति के साथ सुरक्षा की गारंटी देती है। कानून के नजरिए में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं दी जा सकती है। कानून का राज हर हाल में लागू होगा, इस सरकार का संकल्प है, और उस कानून के राज के माध्यम से प्रदेश की 25 करोड़ जनता को सुरक्षा प्रदान करना ये हमारा नैतिक दायित्व है। अपनी इस नैतिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए ही आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं, और मैं यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं। मैं भी देख रहा था ये काशी के साथ छुटा हुआ जनपद जौनपुर भी अपनी एक नई पहचान के लिए आगे बढ़ रहा है, और मैं पिछली बार जब आया था विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, तब भी मैंने कहा था यहां पर जौनपुर आते हैं तो जौनपुर की मुझे बहुत पुरानी याद, 30 साल पहले की याद आती है, जब यहां पर मुझे एक बार देखने को मिला था कि जौनपुर में उस समय इत्र भी था, और मैं धन्यवाद दूंगा यहां के जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को कि इन्होंने इत्र को फिर से जौनपुर के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। इमरती को जीआई प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ाने के लिए भी आज यहां पर कार्रवाई प्रारंभ हुई है, और जैसे ही उसके साथ यहां की इमरती जुड़ेगी, आप देखना यही इमरती वैश्विक मंच पे छा जाएगी, एक नया ब्रांड बनकर के आगे दुनिया के सामने छा जाएगी यहां की इमरती। और मुझे लगता है कि दोनों जौनपुर की सुगंध भी और जौनपुर की मिठास भी आज वैश्विक मंच तक पहुंचाने की आवश्यकता है। जौनपुर की प्रतिभा जहां कहीं भी गई है, शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, कृषि वैज्ञानिक के रूप में, या फिर व्यवसाय के क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, जहां कहीं भी जौनपुर को जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, जौनपुर की प्रतिभा को जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, उसने अपनी एक अलग पहचान और छाप छोड़ी है, और मुझे लगता है उसे आज आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उसे आज आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और उसी का आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। सरकार बहुत शीघ्र एक नई योजना प्रारंभ करने जा रही है, मातृभूमि योजना। मैं आपका भी आह्वान करूंगा।